वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल EDU24। आज हम बात करेंगे CTA के बारे में, कॉल टू एक्शन। अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई लीड जनरेट करना चाहते हैं और आपने कोई वेबसाइट बनाई है या कोई वीडियो बनाई है तो उस पे CTA नहीं है, तो यानी कि आप लीड जनरेट नहीं कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं और अगर आपकी वेबसाइट या वीडियो को देख करके कस्टमर में डिज़ायर जाती है, वो इम्प्रेस होता है आपकी वीडियो से या आपकी वेबसाइट से और उस पर CTA ही नहीं है, तो यानी कि वो लीड जनरेट कैसे करेगा? लीड ही जनरेट नहीं होगी तो आपको बिजनेस आएगा कैसे? तो कॉल टू एक्शन कॉपी राइटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर CTA आपकी वेबसाइट पर नहीं है तो कस्टमर आपसे कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाएगा, अपनी इंक्वायरी ही आपको नहीं दे पाएगा, तो आप लीड जनरेट कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है, कोई भी आप फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं या आप कोई वीडियो बना रहे हैं, उस पे कॉल टू एक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम उन 6 टिप्स के बारे में बात करते हैं जिससे आप अपने कॉल टू एक्शन को हाईली कन्वर्जन कॉल टू एक्शन बना सकते हैं। यानी कि यूज़र आपके कॉल टू एक्शन को पढ़ के आपको अपना इंक्वायरी प्रोवाइड कराएगा, आपका फॉर्म फिल करेगा जिससे आप उससे फर्दर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकता है जिससे आपका कन्वर्जन बढ़ेगा, तभी इस कॉपी राइटिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। अगर आपका CTA आपकी वेबसाइट पर नहीं है, इसका मतलब आप अपना बहुत बिजनेस लॉस कर रहे हैं, और अगर आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि कस्टमर आपको कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो आइए देखते हैं कि हम बेस्ट CTA अपनी वेबसाइट पे लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आपको जो अपना CTA है, कॉल टू एक्शन है, वो अपने वेबसाइट पर हर पेज पर लगाना है। जब भी आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं तो उसमें आपको हमेशा उसका यूज़ करना है। कोई वीडियो YouTube पे बना रहे हैं, कोई Facebook पे वीडियो बना रहे हैं, हर जगह आपको अपना CTA यूज़ करना है। एवरी पेज, ऑन एवरी पोस्ट, ब्लॉग, ईमेल, SMS, आप जहाँ कहीं भी मार्केटिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन लगाना ही होगा अगर आपको आपको बिजनेस के लिए लीड चाहिए तो। सेकंड है चेक व्हाट रीडर वांट्स टू टॉक। ओके, यानी कि आपका जो CTA है वो रिलेवेंट हो कि आप क्या कहना चाहते हैं अपनी वीडियो में या वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कोई वेबसाइट डेवलपमेंट की कंपनी है और मेरा जो वेबसाइट है उसमें जो CTA लगेगा वो लगेगा गेट अ वेबसाइट लाइक, मैं अगर वहाँ पे लगाऊंगा डाउनलोड नाउ वो बेकार हो जाएगा क्योंकि डाउनलोड थोड़ी मैं करवा रहा हूँ। तो जो आपका CTA है वो रिलेवेंट हो कि कस्टमर को करना क्या है, एक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपका जो CTA है वो वर्ब से स्टार्ट हो लाइक गेट, स्टार्ट, ट्राई, डाउनलोड, सब्सक्राइब, शेयर, फाइंड आउट, शॉप, ऑर्डर नाउ। यानी कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं और वो कार्ट में अगर आपको कोई प्रोडक्ट आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो ऑर्डर नाउ का CTA बेस्ट है। अगर वहां पे आप लिखेंगे सब्सक्राइब नाउ तो अनरिलेवेंट होगा, सही नहीं होगा, तो वो CTA ही बेकार हो जाएगा। जो आपका कस्टमर है उसमें इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा एक्शन लेने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपका जो CTA है वो रिलेवेंट हो कि आप यूजर क्या एक्शन ले। नेक्स्ट है आपके जो CTA है उसमें अर्जेंसी हो, अगर अर्जेंसी नहीं होगी तो वो टाल जाएगा आपको एक्शन लेने से कि कल करूँगा या अभी नहीं करा, बाद में दोबारा आके कर लूँगा। लेकिन अगर आपके CTA में एक्शन होगा तो वो क्विक एक्शन लेगा, और अगर आपके पास जितना जल्दी वो आपका फॉर्म फिल करेगा उतना जल्दी आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना बिजनेस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अर्जेंसी के लिए क्लिक नाउ, नाउ इज रिलेटेड टू अर्जेंसी। नेक्स्ट, ट्राई दिस कोर्स टुडे, लिमिटेड टाइम ऑफर। तो इसमें अर्जेंसी है और हमने इसको वर्ब से स्टार्ट किया है ट्राई, तो आपको अपने CTA में अर्जेंसी जरूर डालनी है। नेक्स्ट है जैसे ओनली 10 लेफ्ट, इसमें अर्जेंसी है
क्योंकि लिमिटेड सीट है, फटाफट फिल हो रही है, 10 ही बची हैं, तो उसमें अर्जेंसी है, जो आपका यूजर होगा क्विक एक्शन लेगा। डोंट मिस आउट, सेल एंड्स ऑन 2nd of October या 2nd of January, तो जो डेट के साथ सेल एंड कर रहे हैं यानी कि वहां पे अर्जेंसी आ रही है, तो आपके जो सीटी है उसमें अर्जेंसी हो, वो वर्ब से स्टार्ट हो, वेबसाइट, फेसबुक, वीडियो, हर जगह आप सीटीए यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि आपकी जो हेडलाइन है और आपने वो हेडलाइन वेबसाइट पे लगाई है तो वो हाईलाइटेड हो, ऐसा ना हो कि वो टेक्स्ट में ही मर्ज हो जाए और वो यूजर को पता ही ना चले कि उसको सीटीए लगा कहाँ है और एक्शन लेना कहाँ है, राइट। तो या तो आप अगर फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं तो आप इमोजी का यूज कर सकते हैं, या ब्लॉग लिख रहे हैं तो वहां पे उसको हाईलाइट कलर उसका कर सकते हैं, आई कैची कलर, जिससे कि यूजर को एक साथ ही एक्शन लेने का मन करे और वो दिख जाए एटलीस्ट उसको, ठीक है। पहले तो दिखेगा ही नहीं तो एक्शन क्या लेगा, तो दिखना बहुत जरूरी है। तो हाईलाइट जरूर हो आपकी सीटीए, हाईलाइट होगी यूजर को दिखेगी तभी वो एक्शन ले पाएगा। नेक्स्ट है कि आपका जो सीटी है उसमें रिस्क मिनिमाइज हो, लाइक कि 100% मनी बैक गारंटी फॉर 30 days, यानी कि आप 30 दिन में मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, यानी कि यूजर को लगेगा कि इसमें रिस्क कम है। तो रिस्क कम होगा तो ऑब्वियस है वो चाहेगा कि मैं इसमें अभी एक्शन लूं, अर्जेंसी होगी, रिस्क कम होगा, रिलेवेंट होगा, वो हाईलाइटेड होगा, तो ऑब्वियस है वो एक्शन लेने में थोड़ा ईज फील करेगा और एक्शन लेगा। जैसे नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल टुडे, यानी कि अगर आज आप ट्रायल ले रहे हैं तो वो फ्री है, फ्री होगा तो आपके पास एक लीड जनरेट होगी, देन आप उसको फॉलो कर सकते हैं आगे के स्टेप्स में कि रेगुलर आप उससे बात करें तो एक फ्लो बनेगा, आप उससे रेगुलर बात करेंगे तो कन्वर्जन डेफिनेटली होगा। तो ये सीटीए के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जिससे कि आप हाई क्वालिटी सीटीए आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपको कन्वर्जन होगा, लीड जनरेट होगी। सीटीए अपने हर वेबसाइट पे, हर पेज पे लगाएं, हर फेसबुक पोस्ट पे लगाएं, या कहीं पे भी आप पोस्ट कर रहे हैं या कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं वहां पे भी आप सीटीए का यूज करें, वर्ब से स्टार्ट करें, हाईलाइटेड सीटीए रखें, दूसरा वहां पे अर्जेंसी रखें, और वहां पे थोड़ा सा रिस्क मिनिमाइज एक फैक्टर है उसको भी आप अपने सीटीए में आप जरूर लगाएं, तो आपको गारंटीड आपका हाई कन्वर्जन होगा और आप ज्यादा ज्यादा लीड जनरेट कर पाएंगे और ज्यादा ज्यादा आपकी बिजनेस ग्रोथ होगा। तो इस टिप्स को बहुत तरीके से, बहुत ही सही तरह से एग्जीक्यूट करना है आपको अपनी वेबसाइट पे और फेसबुक पोस्ट पे या बाकी की और जगह। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम पूरे कॉपीराइट का जो हमने अभी ये जो मॉड्यूल हमने देखा है, लर्न किया है, उसमें हम कैसे उसको एक परफेक्ट पोस्ट बनाते हैं, हाईलाइट कैसी होनी चाहिए, टेक्स्ट कैसा होनी चाहिए, सीटीए कैसा होना चाहिए, ये पूरा एक प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस गाइज एंड कीप सपोर्टिंग अस, सब्सक्राइब, जिससे कि हम और रेगुलर आपको वीडियोस बनाते रहें और हम भी मोटिवेट रहें। तो थैंक यू इस फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में EDU24 के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।